उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं कल से। नकलविहीन परीक्षा के लिए सभी तैयारियां हुई पूरी। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक लखनऊ के लोक भवन में होगी कल। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। और शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान दिवस पर आज दी जा रही है अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। प्रदेश में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कल से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक विनय शंकर पांडे ने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 51,92,679 छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कल से शुरू हो रही परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। हाईस्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से जबकि इंटर की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। 52 लाख बच्चे इस परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं और 8372 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पर इस हर परीक्षा केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सारे केंद्र व्यवस्थापकों की मीटिंग्स की गई हैं, पूरी हो चुकी हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज उद्घाटन किया। मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के द्वारा कंट्रोल रूम से निगरानी रखी। सारे जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस कमिश्नर्स के साथ, पुलिस के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनके साथ और डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सबके साथ मैंने एक बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की। पीछे आप लोगों को बात भी किया था और उसमें उन्हें बता दिया कि चाहे हमारा सभी केंद्रों में कॉपियां खोज गई है, प्रश्न पत्र जो खोज रहे और सारी चीजें पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, जिससे जो बच्चा इम्तहान दे उस बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसकी योग्यता है, जो उसकी मेहनत है, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। कोई नकल करा करके उसके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल शुरू हो रही हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रयागराज जिले में 321 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के लिए डीएम संजय खत्री ने स्टैटिक मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक करके उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने कहा कि नकल रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डीआईओएस ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम को सीधे राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा ने कहा कि किसी छात्र या कक्ष निरीक्षक के नकल में लिप्त पाए जाने पर नकल अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीएस को एक डायरेक्शन दिया गया था कि अब बच्चों की काउंसलिंग की जाए और उनको तनाव मुक्त किया जाए ताकि वो भय मुक्त वातावरण में परीक्षा नकलविहीन उसमें दे सकें। और इसके लिए अभी डीएस साहब से बात हुई, आपने जीआईसी से और जो अच्छे अध्यापक थे, आप लेक्चरर थे और उनको मनोवैज्ञानिक उनका फीडबैक था, उस हिसाब से बच्चों की उन्होंने काउंसलिंग की है और इस तरह से काफ़ी अच्छा बच्चों को वो मार्गदर्शन दिया गया है। बाराबंकी जिले में कल 24 मार्च से होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनपद में हाईस्कूल और इंटर की शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए 112 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 66,659 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। इनमें हाईस्कूल के 36,677 और इंटर के 29,982 छात्र छात्राएँ शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश वर्मा ने कहा कि परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी।
परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनको कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से सीधे राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। 112 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लगभग 70,000 बच्चे परीक्षा देंगे। संपूर्ण जनपद को 7 जोन और 12 सेक्टर में विभाजित करते हुए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जहाँ तक प्रश्न पत्रों के रखरखाव की बात है, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक एक अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। वो उसके साथ ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट संपूर्ण परीक्षा अवधि में पूरी व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष से उपजे हालात के बीच भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार $400 अरब के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। सरकार ने अपनी तय समय सीमा से 9 दिन पहले ही ये लक्ष्य हासिल किया। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हर दिन औसतन $1 अरब का माल निर्यात किया, यानी हर घंटे करीब $4.6 करोड़ का माल दूसरे देशों को भेजा गया। अगर महीने की बात करें तो औसतन $33 अरब प्रतिमाह का ये आंकड़ा है। साथ ही भारत ने माल निर्यात के लिहाज से अगर बात करें तो साल दर साल के आधार पर 37% की बढ़त हासिल की है। वित्त वर्ष 2020-21 में अगर देखें तो माल निर्यात का आंकड़ा $292 अरब रहा था, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर $400 अरब पर आ गया है, जो लगभग 37% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने 650 अरब का लक्ष्य रखा था और 650 अरब में से सेवा निर्यात के लिए $250 अरब का लक्ष्य था। अप्रैल से दिसंबर महीने तक की अवधि के लिए ये आंकड़ा $300 अरब तक पहुँच गया था। इस बढ़ोतरी को भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार के तेज होने का संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने वाले सभी पक्षों को, किसानों, बुनकरों, MSME निर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी है। PM मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि भारत ने पहली बार निर्धारित $400 अरब के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, MSME निर्माताओं और निर्यातकों को बधाई देता हूँ। ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नई सरकार बनने से पहले भाजपा के विधायक दल की बैठक 24 मार्च को लखनऊ के लोक भवन में होगी। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा नेता रघुवर दास मौजूद होंगे। समझा जाता है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाकों को समारोह के लिए खासतौर पर सजाया और संवारा जा रहा है। भाजपा के सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जनादेश मिला है। 37 वर्षों के बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कल विधायक दल की बैठक लखनऊ में लोकभवन में आयोजित होगी और इस विधायक दल की बैठक में विधायक दल औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे और उसके बाद सरकार के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, मुख्यमंत्री जी के शपथ की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने तय किया है कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर पर्यवेक्षक के तौर पर आएंगे
और उनके साथ में रघुवर दास जी पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे हैं। दोनों लोगों की उपस्थिति में, उत्तर प्रदेश के प्रभारी की उपस्थिति में कल विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में विधायक दल अपना नेता चुनेगा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर धामी ने रिकॉर्ड बनाया है। सन 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा हाईकमान ने उन्हें दोबारा ये पद सौंपने का फैसला किया। पुष्कर सिंह धामी के अलावा अन्य 8 लोगों को राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ दिलाई, जिनमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा शामिल हैं। सिद्धार्थगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा और बागेश्वर विधायक चंदन रामदास पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह पहली बार राजभवन से निकलकर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिर ये एक छोटा सा विराम। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देश आज शहीद दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदानों को याद कर रहा है, जो 23 मार्च सन 1931 को शहीद हो गए थे। आइए एक नज़र डालते हैं इन क्रांतिकारियों के जीवन पर। आज की कड़ी में हम शहीद दिवस और स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायकों भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरि राजगुरु के बलिदान का स्मरण कर रहे हैं। वे 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। अंग्रेजों ने भारत माता के इन वीर सपूतों को लाहौर जेल में फांसी दी थी। तीनों स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या से बहुत व्यथित थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर आए साइमन कमीशन के विरोध में अहिंसक प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय लाला जी को क्रूरता से पीटा गया था। क्रांतिकारियों ने इसके जवाब में अंग्रेजों पर जबरदस्त हमला करने की ठानी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था, लेकिन पहचान करने में भूल के कारण स्कॉट की बजाय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद क्रांतिकारी कुछ महीनों तक भूमिगत हो गए, लेकिन अप्रैल 1929 में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ सामने आए और बहरी ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज सुनाने के लिए दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके। दोनों ने उसी समय स्वयं गिरफ्तारी दे दी। इस दौरान वे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के लिए बेहतर जीवन स्तर की मांग की। 114 दिन की भूख हड़ताल के लिए भगत सिंह को जनता की खूब सहानुभूति भी मिली। इन महान स्वाधीनता सेनानियों की उम्र तब केवल 20 वर्ष के आसपास थी, जब उन्हें ब्रिटिश शासकों ने मौत की सजा सुनाने के बाद लाहौर जेल में फांसी दे दी। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी आज भी प्रत्येक भारतीय के दिल में जीवित हैं।
इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हेमू कलानी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1923 को सुकूर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बचपन और युवावस्था में हेमू ने अपने दोस्तों के साथ लोगों को विदेशी सामान का बहिष्कार और स्वदेशी सामान के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया। हेमू कलानी ने क्रांतिकारी गतिविधियां भी चलाई। हेमू स्वराज सेना के नेता थे, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से संबद्ध विद्यार्थी संगठन था। हेमू ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें सूचना मिली कि आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश प्रशासन यूरोपीय बटालियनों के साथ विशेष सेना सिंध भेज रहा है। हेमू ने रेलवे ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़ कर उस ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना बनाई, जिसके जरिए सेना और रसद भेजी जा रही थी। इससे पहले कि हेमू अपने उद्देश्य में सफल होते, ब्रिटिश सेना ने उन्हें और उनके साथियों को देख लिया। हेमू को पकड़कर जेल भेज दिया गया और यातना दी गई, लेकिन हेमू ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। 21 जनवरी 1943 को फांसी के दिन हेमू कलानी हाथों में भगवद गीता लेकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़े। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन। प्रधानमंत्री ने आज शहीद दिवस के अवसर पर ट्वीट करके भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कई ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे आगे थे और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सिद्धांतवादी राजनीति और बौद्धिक कौशल के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। वहीं प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा, अपने त्याग और शौर्य से जन जन में स्वाधीनता की अलख जगाने वाले मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान सभी को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ओजस्वी वक्ता और प्रखर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी उनकी जयंती पर नमन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका संजय गांधी ने सुल्तानपुर में ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक को संबोधित किया। श्रीमती गांधी ने पंचायत जनप्रतिनिधियों से कहा कि जिले के संपूर्ण विकास के लिए भाजपा का MLC होना जरूरी है। इससे पहले श्रीमती गांधी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले भाई बहन हर्षिता और हार्दिक साहू को सम्मानित किया। मैं बहुत खुश हूँ कि हार्दिक और हर्षिता भाई बहन दोनों ने हमारा नाम रोशन किया है और मुझे गर्व है कि उन्होंने अपने ही पैरों पर खड़े होकर के किया। मैं उनके माँ बाप को दाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। जहाँ तक मदद का मामला है, जो ये मदद मांगेंगे मैं खुशी से देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत ऊपर तक जाएंगे। मैं अभी तक मैम से बातें की, मुझे मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम ने मेरी मदद करने की भी बात कही है और अभी तक मैंने प्री नेशनल क्वालिफाई कर लिया, मैं इंटरनेशनल के लिए तैयारी कर रही हूँ। समाचारों में अभी ये छोटा सा विराम। कैडेट सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मथुरा में आज बलिदान दिवस मनाया गया। इस दिन देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले तीन क्रांतिकारी वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस क्रम में शहीद दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डैम्पियर नगर स्थित
भगत सिंह पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही शहीद सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम का आयोजन कर भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। आरएसएस के विद्यार्थी विभाग ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर विद्यार्थियों की एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। हमारी पार्टी ने पूरे देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की शहादत को नमन किया है और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। हमारी मुहिम चल रही है जिंदगी एम्बुलेंस से बचाना सबकी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के अंतर्गत आज शहीद दिवस पर हम लोगों की टीम एक रक्तदान शिविर का आयोजन लाइफ केयर ब्लड बैंक NH2 मथुरा पे आज किया गया है। इसमें बहुत सारे रक्तवीर देने के लिए यहाँ पर रक्त देने के लिए आए हुए हैं। आज हमारी पूरी टीम का आह्वान था कि जो भी युवा या जो भी ब्लड डोनेटर हैं उनको आगे बढ़ के अपने देश के लिए रक्त देना है, तो उसी का एक मैसेज पॉजिटिव गया है और लोग सुबह से ही यहाँ पे आए हुए हैं। और सभी रक्तदाताओं को हम लोगों की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट दिया गया है। जैसा आपको मालूम है कि आज शहीद दिवस है, आज के दिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी, जबकि उनकी फांसी 24 मार्च को डिक्लेयर थी जजों के द्वारा, लेकिन अंग्रेजों ने डर की वजह से उन्हें 24 घंटे पहले ही उनको फांसी पर लटका दिया गया। ये फांसी के तख्ते पर वो चल गए और चढ़ते उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनके चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। उन्हें कहा था मेरी ये जो मौत है ये हमारे आगे के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, और यही हुआ। आज जो उनका बलिदान है व्यर्थ नहीं जाएगा, उनके बलिदान से आज भारत की युवा पीढ़ी कुछ सीख रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदी दिवस पर गांधी मैदान कलेक्ट्रेट फतेहपुर में रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद के विभिन्न विद्यालयों के हजारों बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर भारत के नक्शे के रूप में स्वयं को प्रदर्शित किया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य और देशभक्ति के गीतों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। हम लोगों ने सभी ने मिलकर आज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद दिवस का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर सर्वप्रथम एक ह्यूमन चेन के रूप में भारत के नक्शे को प्रदर्शित किया कि किस तरह से हमने अपनी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसको लड़ करके शहीदों ने सभी को नमन करते हुए उनको धन्यवाद दिया। मेरा नाम मुमताज जहाँ है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसमें स्कूल में कंपटीशन रखा गया था, जैसे नाटक का कंपटीशन, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता है, तो उनमें मैं निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, इसलिए मुझको ये सर्टिफिकेट DMM ने दिया है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जा रहा है, जो सभी लोग उनको भूले जा रहे हैं उनको याद कराया जा रहा है। समस्त भारतवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हौसलों की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना। अरे जिसने नारी के लिए अबला शब्द गढ़ा, शायद उसने झांसी की रानी को नहीं पढ़ा। कि हमें हमेशा अपने देश के लिए ऊर्जा प्रदान करना चाहिए, हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। मैं गांधी जी बना, मैं सभी देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़े छोड़कर एकता मिल जाए। कल विश्व टीबी दिवस के अवसर पर KGMU के पुलमोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग ने टीबी मुक्त भारत अभियान में लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला ग्राम पंचायत को गोद लेने के साथ ही 30 टीबी ग्रस्त मरीजों को गोद लेने का ऐलान किया है। आज प्रेस वार्ता के दौरान KGMU के पुलमोनरी और क्रिटिकल केयर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान में जन सहभागिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गोद लिए गए गांव के सभी लोगों का परीक्षण कल कराया जाएगा और इस गांव के समस्त लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि WHO द्वारा वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि टीबी के दुनिया में होने वाले रोगों में 29% रोगी भारत में ही पाए जाते हैं और लाखों मौतें इस बीमारी से हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभियान चलाकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर आर.एस. कुशवाहा ने भी टीबी की गंभीरता पर विस्तार से बताया और सभी लोगों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। आप जानते हैं कि WHO ने विश्व से टीबी को समाप्त करने के लिए 2030 का टारगेट रखा है और चूंकि आप ये भी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा रोगी टीबी के हैं, अगर आप देखें तो 1/4 रोगी भारत में टीबी के हैं और अगर मौत की बात करें तो लगभग 29% मौत भारत देश में अकेले होती हैं दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी टीबी के लिए जो 8 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाई बर्डन कंट्रीज हैं। सभी अधिकारी दवाई की जो प्रतिपूर्ति है उसको समय से कर रहे हैं और ड्रॉप आउट जो एक डिफॉल्टर होते थे ट्रीटमेंट में उनको कम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो केस फाइंडिंग है, क्योंकि जब लोग इसको एक कलंक की तरह से देखते थे तो इसे छुपाते थे, आप देखेंगे कि जो हमारी महामहिम राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, प्रथम नागरिक, उन्होंने अंतिम पंक्ति का जो मरीज है उसकी हैंड होल्डिंग किस तरह से की है, उन्होंने गोद लेने का कार्यक्रम शुरू किया। जैसा अभी बहुत विस्तार से बताया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे सपना है कि 2025 तक भारतवर्ष को क्षयमुक्त कर देना है और इसी के क्रम में आदरणीय हमारी राज्यपाल महोदया ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, इसको बहुत प्राथमिकता से लिया है। अभी जैसे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सर पढ़ा रहे थे, करीब 2 दशक पहले जब बात होती तो ये बहुत प्रमुखता से बात रखी जाती थी कि पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी है। आज आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है टॉप लेवल का है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गवर्नर जब इसमें खुद सबसे बढ़ के आगे आए हैं, सबको रास्ता दिखा रहे हैं, तो इस क्षय रोग के लिए कुछ भी साजो सामान पैसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पहली बात तो ये देश ने बहुत ही बढ़िया से इस चीज़ को इंश्योर किया है कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और प्रोग्राम पूरे देश में किसी भी संभावित क्षय रोगी के लिए सब कुछ चीज़ें फ्री है, जांच पूरी फ्री है, इसका पूरा इलाज फ्री है। भारत सरकार के उपक्रम इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आज लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र परिसर में सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों और जनसाधारण को आयुष औषधि आयुरक्षा इम्यून बूस्टिंग किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक आयुर्वेद प्रभारी और सहायक निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश और अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि आयुर्वेद औषधियां कारगर होने के साथ ही किसी तरह का विपरीत प्रभाव भी शरीर पर नहीं डालती। लखनऊ दूरदर्शन के उप महानिदेशक और केंद्र अध्यक्ष अनुपम स्वरूप ने कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देते हुए योग और भारतीय पद्धति की जीवनचर्या को अपनाने की अपील की। आयुष रक्षा किट जो COVID-19 महामारी फैली हुई है उससे बचाव के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से निःशुल्क वितरित की जा रही है। इसमें कुछ चीज़ें हैं का एक किट बना करके बांटा जा रहा है, तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, जिसमें आपका ये मीडिया का डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सफाई कर्मी हैं, हॉस्पिटल हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यह औषधि निःशुल्क वितरित की जा रही है भारत सरकार की तरफ से। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं कल से। नकलविहीन परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया हुई तेज। नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक लखनऊ के लोक भवन में होगी कल। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद।
और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान दिवस पर आज दी जा रही है अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। प्रदेश में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। पेमेंट फेल।